दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो पौधा दिखा रहा हूँ, इसी पौधे के संदर्भ में बहुत ही अच्छी एक रहस्यमय जानकारी बताने जा रहा हूँ, जो आप लोग को शायद नहीं पता होगा। यह पौधा हमें बहुत ही ज़्यादा कुछ सिखाती है, बताती है, मगर हम लोग उसे नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को कम्प्लीट देखते रहिए। मैं आप लोगों को आज इस पौधे के बारे में जो जानकारी मेरे पास है, एक रहस्यपूर्ण जानकारी है, उसको भी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हम इसी तरह की वनस्पति विज्ञान की जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। तो आप देखिए, इस पौधे को अच्छे से पहचानिए। अगर पहले से जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो देख करके पहचान लीजिए। आज मैं आप लोगों को इसकी पूरी पहचान, पूरी गुणधर्म बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, इस पौधे को हिंदी में पवाड़ या पवार कहा जाता है, संस्कृत में इसका नाम चक्रमर्द है, और हमारे छत्तीसगढ़ी देहात भाषा में इसे चरौटा कहा जाता है। तो चरौटा पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है इसका नाम, तो आप लोग भी जानते होंगे मेरे ख्याल से, इसके बहुत उपयोग किए होंगे, क्योंकि इसके पत्तों का साग सब्जी बना करके खाया जाता है छत्तीसगढ़ में अक्सर। मैंने हमारे ग्रामीण अंचल के देहात क्षेत्र के लोगों को देखा है अक्सर इसका उपयोग करते हुए, तो आप लोग भी किए होंगे। हमने भी बहुत सारे बार इसका प्रयोग किया है, और बहुत ही अच्छी यह औषधि के रूप में भी कार्य करता है। तो आज मैं आप लोगों को इसके जो पत्ते होते हैं और इसके जो फलियाँ होती है उसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, इसके पत्ते जो है मेथी के पत्ते के समान दिखाई देते हैं, और मेथी से भी यह पत्ता बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। मेथी जो स्वादिष्ट होता है, इसलिए उसका जो मांग है वह ज़्यादा रहता है, लेकिन यह स्वादिष्ट नहीं रहता है, इसको स्वादिष्ट बनाया जाता है। इसके पत्ते को आप अगर साग सब्जी बना करके खाते हो तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन पाया जाता है इसके पत्तों में, और यह बहुत ही ज़्यादा शुद्ध रूप में होता है, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से कहीं भी उग जाता है यह पौधा, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की रासायनिक उर्वरक मिला करके पैदा किया हुआ नहीं होता है, इसलिए यह शुद्ध प्राकृतिक तत्व से भरा हुआ पौधा होता है। इसके पत्ते में ये जो जितने खनिज पदार्थ मौजूद होते हैं वह आपको शुद्ध रूप से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आप इसके पत्ते का भरपूर फायदा लीजिए। इसके पत्ते को यदि आप कहीं भी चर्म रोग हो शरीर में, वहाँ पे इसका पीस करके लेप कर दीजिए इसके पत्तों को, आपका वह चर्म रोग भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे आपको आराम मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप इसके कोमल पत्तों को तोड़ तोड़ करके उसको इकट्ठा करके थोड़ा सा उबाल करके इसका सब्जी बना करके खाते हो तो आपके समस्त प्रकार के पेट रोग शांत हो जाता है। पेट रोग मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाता है इसके पत्ते का साग सब्जी का सेवन करने से। या फिर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इसके पत्ते को उबाल करके उसका काढ़ा बना करके भी पी सकते हो, इससे भी आपका पेट रोग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। पेट रोग कहने से पेट में जितने भी प्रकार के रोग होते हैं, गैस, वायु, अपचन, ये सब चीज़ खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को ये जो चरौटा का फल देख रहे हो, आप फलियाँ देख रहे हो, इस फलियों के फायदे के बारे में बताऊंगा। जब इसकी फलियां बड़ी हो जाती है और पक करके सूख जाती हैं तो इसको इकट्ठा करके हमारे ग्रामीण देहात के लोग इसको कूट पीस करके इसका जो अंदर का बीज होता है उसको निकाल लेते हैं कूट करके। तो उसका बीज जो है आपको उड़द के बीज के समान दिखाई देगा, छोटा छोटा। तो उसी बीज को इकट्ठा करके ये लोग बाज़ार में, मार्केट में बेच करके अपने लिए रोज़गार ढूँढ लेते हैं। तो इस तरह से यह बहुत ही अच्छा रोज़गार का साधन भी है हमारे ग्रामीण देहात के क्षेत्र के लोगों के लिए। तो ये लोग इसको इकट्ठा करते हैं और इसको मार्केट में बेच देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ऐसा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसके औषधि गुणधर्म आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि आप इसके बीजों का फ़ायदा डायरेक्ट अपने घर पर उपयोग करके ले सको। दोस्तों, अगर आप इसके फ़ायदे लेना चाहते हैं इसके बीजों को, तो इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद उसको सुखा करके उसको पाउडर कर लीजिए कूट पीस करके, और पाउडर करने के बाद दोस्तों आप इसे छोटा छोटा बड़ी बना लीजिए इसका। इसको पानी मिला करके इसको छोटा छोटा बड़ी बनाया जाता है, और छोटा छोटा बड़ी बनाने के बाद आप उसको सुखा लीजिए। जब इसका बड़ी बन करके सूख जाए तो उस बड़ी को आप तवा में या फिर कढ़ाई में उसको हल्का ब्राउन होने तक, भूरा होने तक उसको भून लीजिए, और भूनने के बाद उसको फिर आपको उसके पाउडर बनाना है। उसके बाद आप उसे किसी प्रकार के डिब्बे में ढक करके रख सकते हो, और उस पाउडर को दोस्तों सुबह शाम गाय के दूध के साथ या फिर शहद के साथ एक एक चम्मच की मात्रा में सेवन करने से आपके शरीर के समस्त प्रकार के बुढ़ापे वाली समस्या खत्म हो जाएगी। बुढ़ापे वाली समस्या कहने का मतलब, जो बुढ़ापे में तकलीफ होता है, दर्द होता है, जोड़ों का दर्द होता है, कमर दर्द होता है, जिनका कमर झुक जाए रहता है, लोग झुक करके चलते रहते हैं। गांव देहात में देखे होंगे बड़े बुजुर्ग लोग बहुत ही पीड़ा युक्त, कष्ट युक्त जिंदगी जीते रहते हैं बुढ़ापे में।
तो इस तरह से आपको नहीं करना पड़ेगा, तकलीफ़ झेलना नहीं पड़ेगा। अगर आप इस चक्रमर्द के बीजों को पाउडर करके उसका बड़ी बना करके उस बड़ी के पाउडर को इस्तेमाल करते हो ज़िंदगी भर, तो आपको इसको सबसे पहले बड़ी बना करके पाउडर कर लीजिए, और उसके बाद आप उसे पाउडर को डब्बा में रख लीजिए किसी भी प्रकार के, और उसको एक एक चम्मच की मात्रा में प्रतिदिन खाइए। आपको बुढ़ापे वाली समस्या नहीं होगा, अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, कंधा का दर्द, जॉइंट पेन जितने भी होते हैं वो सभी आपको कभी नहीं होगा, क्योंकि यह अनुभूत है, परीक्षित है। हमारे देहात में बहुत सारे लोग, बहुत सारे वैद्य इसकी पुष्टि करते हैं और बताते हैं कि इसका बीज को हमेशा प्रयोग करते रहने से जोड़ों का दर्द नहीं होता है। हमेशा कहने का मतलब आप साल में एक दो महीने भी यूज़ करते हो तो भी आपको इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि आप एक वर्ष में एक दो माह यूज़ कर लेते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इस चरोटा की एक ख़ास बात बताने जा रहा हूँ। सूर्यास्त के समय आप इस चरोटा के पौधे को देखना, जब सूर्य ढलता है, शाम होती है, तो इसके पत्ते भी आपस में सिकुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं। इसका मतलब है कि ये सो जाते हैं। और जब अगली सुबह, जब सुबह होता है, सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय के होते होते ही ये भी अपने पंखुड़ियाँ खोल देते हैं, पत्ते आपस में जो चिपके रहते हैं वो खुल जाते हैं, और दिन भर सूर्य के हिसाब से चलते रहते हैं। मतलब जैसे जैसे दोपहर होता रहता है तो दोपहर को यह पूरी पत्ते इसके फैल जाते हैं, और जैसे जैसे शाम होने लगता है तो इसके पत्ते भी धीरे धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते शाम होते होते ढलते ढलते पूरी तरह से चिपक जाते हैं। मतलब रात को यह सो जाते हैं, एक साथ इसके पत्ते आपस में सिकुड़ करके चिपक जाते हैं। तो यह एक घड़ी वाला संकेत है, यह सूर्य के हिसाब से चलता है। पहले ज़माने में हमारे आदिवासी लोग इसको देख करके समय का पता लगा लेते थे, और आज भी जो पुराने लोग हैं वो लोग इस पौधे को देख करके बता देते हैं कि अभी कितना टाइम हो रहा है। और आप घड़ी में यकीन नहीं करोगे, मिला सकते हो, वो जितना बताएंगे उतना ही घड़ी में बचता रहेगा, उतना ही समय होता रहेगा, क्योंकि वो लोग अंदाज़ा लगा करके बता देते हैं और उनका अंदाज़ा बिल्कुल सही होता है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बाकी एकदम परफेक्ट पता चलता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये चरोटा का पौधा जो है एक घड़ी का कार्य करता है, एक समय बताने का यंत्र है मान के चलो। तो आप अपना टाइम इसमें, इस पौधे में देख सकते हो कि अभी कितना टाइम हो रहा है, और घड़ी में जाकर के मिला सकते हो। आप धीरे धीरे इसका अंदाज़ा लगाना सीख जाओगे तो आपका अंदाज़ा भी परफेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, यही हमारे आदिवासियों की जो पुरानी मान्यता है वह है, इस चरोटा से वे लोग समय को बता देते थे और आज भी बता देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत अच्छी जानकारी मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ के रह सकते हैं, ताकि हम और भी वनस्पति विज्ञान की जानकारी आप तक पहुँचा सकें आसानी से, और उसका लाभ ले सको आप आसानी से। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और अच्छी औषधि वीडियो के साथ, अच्छी औषधि ज्ञान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।